Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. So, 40,000 रुपीज में आजकल काफी तगड़े लैपटॉप्स आ रहे हैं एंड अभी तो भाई i5 12th जेन भी मिलने लगा है 40,000 रुपीज में. सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक लैपटॉप ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको i5 12th जेन मिल जाएगा दैट टू 40,000 के आसपास में, विच इज एन अमेजिंग डील. सो उसको मिस मत करना. सारी बेस्ट बैंक लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो एंड जल्दी से हमारे लिस्ट को शुरू करते हैं. सो दोस्तों, सबसे पहला लैपटॉप है HP की तरफ से, HP 15S. अब ये एक 15.6 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है. 15S से यही हमको मालूम चलता है. एंड इसमें आपको i3 12th जेन मिल जाता है 1215U. जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, ये एक 6 कोर का CPU है जो काफ़ी अच्छा CPU है, काफ़ी सक्षम CPU है. इसमें आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग वगैरह आराम से कर सकते हो. एंड क्योंकि ये इंटेल का CPU है तो इसमें आपको इंटेल के अल्ट्रा HD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू आप लो सेटिंग्स पे छोटे मोटे गेम्स भी खेल सकते हो. और खास बात क्या है, 40,000 रुपीज में आपको i3 12th जेन तो मिल ही रहा है, उसके बाद इसमें 16 GB की रैम मिल जाती है एंड 512 GB की SSD मिल जाती है. रैम की मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसको आप फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप SSD को कर सकते हो. और हाँ, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए. प्लस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड इसकी जो नॉर्मल डे टू डे टास्क में बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 5 आवर्स. हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता है. सो ये एक चीज़ है, बट अगर आपको 16 GB रैम वाली एक लैपटॉप चाहिए, ये एक बढ़िया ऑप्शन है एंड इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, फोटोशॉप एंड प्रीमियर प्रो भी चला सकते हो. लेकिन हाँ, प्रीमियर प्रो में 4K एडिटिंग नहीं कर पाओगे, बट फुल HD एडिटिंग कर सकते हो. ये लैपटॉप बढ़िया है. सो ये लैपटॉप कौन से लोगों को सजेस्ट करूंगा? अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, स्कूल के जो होमवर्क वगैरह असाइनमेंट वगैरह वो करना चाहते हो, इवन कॉलेज में हो, इस लैपटॉप का आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. सो अगला लैपटॉप है ASUS VIEWBOOK 15. अब इसमें भी आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है एंड इसमें आपको i3 12th जेन मिलता है, लेकिन P सीरीज का. जिनको नहीं मालूम है, P सीरीज काफी पावरफुल सीरीज है. लास्ट जो लैपटॉप मैंने आपको बताया वो 6 कोर का था, ये 10 कोर का CPU है, ठीक है, 10 कोर्स एंड ये काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है. इसमें आपको 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाती है. दोनों को आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो. इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड भी है इसमें. प्लस इसके बाद इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए. इसकी जो एवरेज बैटरी बैकअप है नॉर्मल डे टू डे टास्क को लेकर दैट इज अराउंड 4.5 आवर्स, क्योंकि थोड़ा पावरफुल CPU है ये. एंड बाय द वे, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है एंड इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो थोड़ी हाई लेवल की. प्लस अगर आप गेमिंग करना चाहो, लाइक GTA 5 भी हैंडल कर लेगा लो सेटिंग्स पे एंड हाँ, ऑफकोर्स फ्री फायर जैसे गेम्स भी हैंडल कर लेगा. सो ये वाला लैपटॉप कौन से लोगों को सजेस्ट करूंगा? अगर आप ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर हो एंड थोड़ा ज़्यादा पावरफुल CPU हो, क्योंकि आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, देन ये काफ़ी तगड़ा CPU है. कॉलेज वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल यूज़ के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो, मैं बोलूँगा पिछला वाला जो लैपटॉप बताया वो हल्का सा बेटर होगा इससे प्रोफेशनल यूज़ के लिए. इसमें क्योंकि बैटरी बैकअप आपको थोड़ी सी कम मिलती है जस्ट बिकॉज इसका CPU ज़्यादा पावरफुल है एंड प्रोफेशनल काम जो होते हैं, कोडिंग वगैरह, वो एक हल्के से कम पावरफुल वाले CPU में भी हो सकता है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कोई भी फर्दर सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट जरूर कर देना. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ. अगला जो लैपटॉप है, अगेन इट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ HP. ये है HP 14. ये एक 14 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर वाला पैनल है, मतलब डिस्प्ले है इसमें एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट लैपटॉप है ये. खास बात क्या है, i3 13 जेन मिल जाता है 1315U. ये भी 6 कोर का CPU है लेकिन काफ़ी पावरफुल CPU है. इसमें भी आप आराम से हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, और गेमिंग करनी है तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड या डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड कुछ तो चाहिए होगा. इसमें आपको इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं. सो छोटे मोटे गेम्स, वैलोरेंट, GTA 5 ये हैंडल कर लेगा. बाय द वे, इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है. दोनों का फर्दर अपग्रेड कर सकते हो एंड इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए दैट टू. और इसकी जो बैटरी बैकअप है डे टू डे टास्क को लेके दैट इज अराउंड 5 आवर्स to 5.5 आवर्स. फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है इसमें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लैपटॉप है. तो ये लैपटॉप किनको सजेस्ट करूँगा मैं? अगर आप कोडिंग के लिए लैपटॉप ढूंढो ना इस प्राइस ब्रैकेट में, ये प्रोबेबली बेस्ट लैपटॉप है, इसको आप ले सकते हो. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. एंड अभी तक हमने काफ़ी सारे इंटेल के CPUs देख लिए, अब हम देखते हैं राइजन के. ये सर एस्पायर लाइट. अब दोस्तों ये राइजन 5 5500U के CPU के साथ आता है. भाई ये वाला जो CPU है ना, कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले आप बोल सकते हो 50,000 रुपये के आसपास में मिल रहा था. काफ़ी तगड़ा CPU है ये, 6 कोर का CPU है. जिनको नहीं मालूम है, ये CPU वन ऑफ द बेस्ट CPUs है इस प्राइस ब्रैकेट में.
प्लस इसके साथ इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिलती है, एंड रैम को आप फर्दर और भी अपग्रेड कर सकते हो, SSD को भी कर सकते हो। 15.6 इंचेस की फुल HD इसमें IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर दिस प्राइस। उसके साथ साथ इसमें आपको दोस्तों मेटल बॉडी मिल रही है, काफ़ी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी। और अगर मैं इसमें ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो आपको वेगा 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं, तो इसमें आप छोटे मोटे गेम्स वेलोरेंट GTA 5 आराम से खेल सकते हो, हैंडल कर लेगा ये। और हाँ, इसकी जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 5 आवर्स, क्योंकि भाई जो CPU है थोड़ा पावरफुल CPU है, तो 5 घंटे आराम से बैटरी बैकअप दे देगा। ये कौन से लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखो 16 GB की रैम है, 5500U का CPU है, आराम से एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट टाइट है 40,000 रुपये तक, देन ये लैपटॉप प्रोबेबली बेस्ट रहेगा एडिटिंग के लिए। सो ये लैपटॉप कौन से लोगों को सजेस्ट करूंगा, जिनको एडिटिंग करनी है लाइक फोटोशॉप या फिर अडोबी प्रीमियर प्रो वगैरह, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चलेगा इतने ढंग से, लेकिन अगर आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी है या मॉडरेट लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है, 40,000 रुपये आपका बजट है, दिस इज द लैपटॉप यू शुड गो विथ। आगे बढ़ते और बात करते हैं हम ऐसे लैपटॉप के बारे में जो भाई i5 12th Gen के साथ आ रहा है, एंड दैट इज नन अदर देन MSI Modern 14, 14 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल। तो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, साइज छोटा है क्योंकि 14 इंचेस का है, एंड उसके बाद इसमें आपको i5 12th Gen मिल जाता है, 12 35U, और ये 10 कोर का CPU है, समझ लो 10 कोर का i5 12th Gen आपको 40,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, इससे बढ़िया CPU इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। इट इज़ बेटर दैन ऑलमोस्ट ऑल द लैपटॉप्स आई हैव शोन यू टिल नाउ, मतलब CPU के मामले में ये बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं होती, आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, दोनों का फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के आयरिस XE ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो काफ़ी सेक्सी ग्राफिक्स हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड की दुनिया में प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड्स हैं। सो GTA 5, वेलोरेंट, फ्री फायर, ये सब आराम से हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस एडिटिंग भी कर सकते हो इस लैपटॉप में आराम से, बैकलाइट कीबोर्ड इसमें भी मिल जाता है, एंड एक चीज़ बता दो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, वरना ऑल इन ऑल काफ़ी तगड़ा लैपटॉप है। प्राइस देखो आप 36,990, 37,000 रुपीज में इससे बढ़िया CPU वाला लैपटॉप आपको इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं मिलने वाला है। सो बैटरी बैकअप कितनी देता है आप, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल CPU है तो आप ज़्यादा बैटरी बैकअप इससे एक्सपेक्ट मत करना, दो इसमें फास्ट चार्जिंग है, ये ऑलमोस्ट आपको 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे देगा। और कौन से लोगों को इस लैपटॉप को मैं सजेस्ट करूँगा, देखो अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो 40,000 रुपये में सबसे बेस्ट CPU ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको शायद थोड़ी गेमिंग करनी है और थोड़ी एडिटिंग करनी है, देन ये वो लैपटॉप है जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, इंटेल के लैपटॉप्स में मोस्टली जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है, एंड जो राइजन वाले होते हैं उनमें मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है काम के साथ साथ, वो इंटेल वाला खरीदें, एंड जिनको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है नॉर्मल काम के साथ साथ, वो राइजन वाला खरीदे, ठीक है, इतना आप मान के चलो। सो दोस्तों यही है कुछ लैपटॉप्स, और एक लैपटॉप है अगेन डेल की तरफ से आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा वाला लैपटॉप है। ये है i3 1305U, ये डेल 14 सीरीज का लैपटॉप है, एंड 14 इंचेस की इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, दोनों को आप अपग्रेड भी कर सकते हो। बट एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ इसका जो रैम है उसकी मेगाहर्ट्ज़ बहुत कम है, काफ़ी स्लो रैम है ये, तो इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर आप में से कुछ लोग हो जो चाहते हो कि भाई इस प्राइस ब्रैकेट में उनको डेल का ही लैपटॉप चाहिए, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। 5 कोर्स का इसका CPU है, काफ़ी यूनिक CPU है, ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आता है, बट अच्छा है, डे टू डे टास्क आराम से कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका जो रैम है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना, बाकी लैपटॉप अच्छा है डे टू डे टास्क के लिए। तो दोस्तों यही थे सारे लैपटॉप जो मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे, एंड अगर आपका फर्दर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप कोई लैपटॉप सजेस्ट करना चाहते हो, तो फील फ्री, कम्युनिटी की हेल्प होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बता देना, एंड पहली बार चैनल पे आए हो देन डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर, इट हेल्प्स मी अ लॉट। मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, एंटिल देन ओवर एंड आउट।